i the टू ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए तो फ्रेंड्स आज 19 तारीख है और सुबह सुबह का टाइम है और दस साढ़े दस बज रहे हैं और आज हम लोग फिर से बनाने जा रहे हैं सोंठ के लड्डू या फिर से ठौरा जिसे बोलते हैं गाँव में तो बस उसी की प्रिप्रेशन चल रही है और सारा सामान लिस्ट बना के आ, मम्मी जी ने मंगवा लिया है मुझे सारा सामान उन्होंने नोट करवा दिया था और पापा जी गए सामान सब ले कर आए और अभी देख रहे हैं कि सब सामान आ गया है और अब तैयारियां चल रही हैं और मम्मी जी अभी अलसी के बीज भून रही हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है सठोरा में डालना तो अलसी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और सौंठ के लड्डू जो होते हैं वो ज़्यादातर जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको दिए जाते हैं खाने के लिए तो इसका जो एक फ्लेवर होता है साथ ही साथ इसमें इतने सारे गुड़कारी चीज़ें हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है इसकी अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये अलसी भुनी जा रही है साथ में यहाँ पर देखिए दस किलो चीनी है जो मुझे मिक्सी में यहाँ पीसना है और मैं जा रही हूँ बस इसी काम में लगने और फिर इसके स्टप में रखती जाऊंगी और यहाँ घी गरम करके मम्मी जी इसमें गोंद जो खाने वाला गोंद होता है उसको फ्राई करने जा रही हैं तो स्टेप्स बाय स्टेप यही सारी प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ सोट के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रखी है स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं उसमें पूरी रेसिपी आप लोगों को मैंने शेयर कर रखी है और यहाँ पे मम्मी जी गोंद को देखिए फ्राई करने जा रही हैं घी में घी गरम हो चुका है अच्छे से तो इसे डाल देंगे और ये एकदम फूल फूल के पॉपकॉर्न जैसे बड़े बड़े से हो जाएंगे और ये देखिए बिल्कुल देखने में तो जैसे पत्थर जैसे लगते एकदम क्रिस्टल के जैसे आर पार दिखते एकदम ट्रांसपेरेंट और इतने हार्ड होते हैं आप इसे खाएंगे तो आपके दांतों में चिपकने लग जाएंगे और ये तेल में जाते एकदम फूल के सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम बहुत ही क्रंची हो जाते हैं तो ये है गोंद और गोंद भी फ्राई हो गए हैं तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये सोंठ के लड्डू जो न्यू मॉम्स के लिए बनते हैं कि घर में किसी की बेबी होता है या खुशखबरी होती है तो ये बनते हैं और पर ये हमारे घर में अभी इस समय क्यों बन रहे हैं और इसका रीज़न बताऊँगी मैं आप लोगों को तो वीडियो पूरी देखिएगा आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा वीडियो में कि ये लड्डू किसके लिए बन रहे हैं और क्यों बन रहे हैं तो फ्रेंड्स हमने अलसी को पीस लिया है और यहाँ पे देखिए घी गरम हो रहा है लड्डू को बांधने के लिए उसमें बाइंड करने के लिए तो हल्दी भुनी गई थी उसी कढ़ाई में तो पीला पीला लगा हुआ है और ये देखिए यहाँ पे मम्मी जी चीनी के अंदर सारी जो भी चीज़ें हैं वो मिक्स कर रही हैं अच्छे से तीसी है भुना हुआ आटा है हल्दी है गोंद को हमने पीस लिया थोड़ा हाथ से क्रश कर लिया है जो था और यहाँ वाइट प्लेट में आप सोंठ देख सकते हैं लगभग आधा किलो सोंठ है तो ये सारी चीज़ें हैं मम्मी इनको मिक्स कर रही हैं और चीनी मैंने पीस के रख दी थी टंकी में जो स्टील वाली है इसमें इसी में भर के ये सिहरा जाएगा तो अभी हमारे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं ना गांव में बड़े बर्तन रहते हैं तो फिर इजी रहता है मिक्स करने में पर यहाँ पर छोटा सा एक टप है मेरे पास ये वाला और एक ये टंकी जो आएगी इसी दो बर्तनों में हम ये बनाएंगे और गांव में होते तो बहुत सारे बर्तन बड़े मिल जाते हैं बट यहाँ पे तो मेरे पास अभी ये दो ही अवेलेबल हैं और इनमें ही हम बना रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो अभी हम लोग ने घी डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और देखिए मैं और मम्मी जी साथ में इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से अभी अच्छे से सारा घी मिल जाएगा तो लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे और देखिए हम लोगों ने आज एक जैसे ही कलर का और ड्रेस पहन लिया है मम्मी की साड़ी का कलर भी वही है जो मेरे सूट का कलर है तो ये जहाँ हमने सोच समझ के नहीं पहना है बस कोई इंसिडेंसली ये हो गया है कि सेम टू तो सेम कलर का हमने आज कपड़ा पहन लिया है और फ्रेंड्स तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को कि ये लड्डू क्यों बन रहे हैं और किसके लिए बन रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ यूपी में हमारे कल्चर है कि जब भी कि, आ, किसी की बेटी को मतलब न्यूबॉर्न होते हैं या फिर बेबी बॉय बेबी गर्ल जो भी होता है तो उसके यहाँ पे मायके वाले जो होते हैं ये सोट के लड्डू बना के भेजते हैं तो हमारे यहाँ भी जब हमारी जो भांजी है कुहू बेबी वो हुई थी तो उस समय पे ये लड्डू नहीं भेजे गए थे क्योंकि जो कुहू है वो मुंबई में हुई थी और फिर उसके बाद उनका आने का साइट जो होता ना, है ना जैसे मुहूर्त बोलते हैं तो मुहूर्त मायके के लिए एक अलग साइट निकलती है तो वो साइट नहीं थी तो दो साल बाद वो आई हैं अपने ननिहाल में तो अब वो अपने घर जाएंगी तो उनके साथ में ये लड्डू भेजे जाएंगे और तब उस समय ये लड्डू भेजे नहीं गए थे और इसलिए हम लोग ये लड्डू बना रहे हैं तो मायके की तरफ से ये सठोरा जिसको सोंठ का लड्डू बोलते हैं ये लड़की को खाने के लिए और उसके परिवार वालों के लिए सबको बांटने के लिए खाने के लिए भेजे जाते हैं और जो भी कपड़े वगैरह और कुछ भी जो भी गिफ्ट होते हैं नाना नानी की तरफ से गोल्ड ज्वेलरी या कुछ भी तो वो सारी चीज़ें भेजी जाती हैं तो वो कुछ भी उस समय नहीं हुआ था साइट की वजह से क्योंकि साइट नहीं बन रहा था तो अभी इस समय पर सब कुछ जाएगा तो उसको हम लोग अभी इसलिए लड्डू बना रहे हैं भेजने वाले हैं तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा लड्डू बन चुका है तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को खाने के लिए लड्डू दे रही हूँ कि आप लोग भी लड्डू खाइए और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है ये सोंठ का लड्डू सिठौरा तो यहाँ पे देखिए लड्डू तो बन गया है और ये चीनी वाले हैं गुड़ वाले हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि गुड़ वाले रिसेंटली बनाए जाते हैं न्यू मॉम को खाने के लिए और कुहू बेबी तो अभी दो साल की हो चुकी है और अब इसकी ज़रूरत नहीं है गुड़ वाले की राधा बीबी को क्योंकि उसी समय खाती तभी वो फ़ायदा करता उनको और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है तो गुड़ वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है तो गुड़ वाला हम नहीं बना रहे हैं खाली ये बांटने के लिए एक रिचुअल जो है वो रिवाज़ जो है उसको पूरा करने के लिए उनके ससुराल जाएगा तो इसलिए ये बन रहे हैं चीनी वाले और तो फ्रेंड्स अभी मेरी दोनों सिस्टर लॉ जो कल गई थी दीदी के घर पे दीदी और छोटी वाली तो वो लोग आने वाली हैं क्योंकि उनको मम्मी ने बोला कि आना और ये लड्डू का काम है तो थोड़ा बनवा देना तो वैसे लड्डू तो बन ही गए हैं अब वो लोग अगर आ भी जाएंगी तो कोई काम उनके लिए खास है नहीं क्योंकि हम दोनों सास बहु ने मिल ही लड्डू का सारा काम कर लिया है और लड्डू आधे बंद भी गए हैं और आधे थोड़े से जो बचा है तो हमने दो भाग में करके बनाया क्योंकि हमारे पास बड़ा बर्तन नहीं था तो आधा वो स्टील के टंकी में ही रखा था और आधा टप में करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको बना ले रहे हैं तो दीदी लोग बस अभी आने वाली हैं वो लोग चल चु, चल दी हैं वहाँ से अपने रूम पर से और रास्ते में हैं तो बस उन लोग का कॉल आया था कि आओ हमें ले लेने क्योंकि वो घर का रास्ता नहीं उनको इतना भी याद है तो मैं उनको जा रही हूँ लेने तो देखिए दीदी आ चुकी हैं और छोटी दीदी आ दीदी आ गई हैं हैं और सब लोग चल रही तो चलिए

आगे। आगे। तो फ्रेंड्स देखिए आ गई है दीदी और दीदी आते ही लग जाती हैं काम में और लड्डू बनाने के लिए और इतने लड्डू देखिए हमने बना दिए हैं तो मम्मी बोलती हैं कि तुम इसको पैक भी करती जाओ नहीं तो आ, इस मतलब ये सूखते जाएंगे तो इसलिए हम इनको अभी तुरंत इस जो स्टील वाला कंटेनर है उसको उसी में पैक करेंगे तो देखिए नीचे हमने कागज़ बिछा दिया है और उसके ऊपर कुछ चावल डाल दिया है और अभी इसमें आम का पत्ता भी डालते हैं बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है गांव में तो इजीली मिल जाता है तो यहाँ अवेलेबल नहीं था तो चावल डाल के हमने ये रख दिए हैं और ये देखिए सोट के लड्डू सारे मैं इनमें अच्छे से जमा जमा के रख रही हूँ ताकि ये फूटे नहीं आराम से अच्छे से इनको रख दे रही हूँ तो चलिए इन लड्डुओं को हम पैक कर लेते हैं और सारे लड्डू बन गए हैं थोड़े से और बचे हैं वो बन रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलते रहें तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी हो वीडियो और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा कुछ कहना हो कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं और तब तक के लिए थैंक यू सो मच तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग भी सेठोरा एंजॉय करिए और इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पर डाल रखी है स्टेप बाय स्टेप सेठोरा की रेसिपी दो तरह की गुड़ वाली भी और चीनी वाली भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग व्लॉग में और तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय